हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जगह है ना वरुच, जो कि गुजरात में आता है। यहाँ पर आपको अपने देश की तीनों बड़ी परियोजनाएं देखने को मिलेगी। ये जो देख रहे हो सामने, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली से स्टार्ट होकर मुंबई तक जाता है ये। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये जो है, ये है इंडिया की पहली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन, जो कि यूपी के दादरी से स्टार्ट होती है और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जाती है। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो पूरी परियोजना है जो यूपी के दादरी से स्टार्ट होती है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक जाती है, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी और वो भी डबल डेकर। ये बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पर, इस पे आपको ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये भी बनकर तैयार है, लेकिन अभी इस पे व्हीकल मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस ब्रिज से पहले जो इंटरचेंज है वरुच का, वहां तक सर्विस स्टार्ट है, तो यानी कि आप वडोदरा से वरुच तक आ सकते हैं और फिर इस जगह तक जरूर आइएगा। और अगर आपको इन तीनों बड़ी परियोजनाओं को देखना है तो इससे बेस्ट जगह हो नहीं सकती है। तीसरा पूछोगे कौन सा, तो भाई बुलेट ट्रेन। जी हाँ, तो एक तरफ NHAI का, यहाँ पर DFC का, और उसके बाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो बनाई जा रही है इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना, उसका यहाँ पर काम होता हुआ आपको ये नजर आ रहा है, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। इस नर्मदा रिवर के ऊपर जो ये ब्रिज बनाने का काम है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा, जो कि इंडिया की सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही है, उसी परियोजना का हिस्सा है ये जो ब्रिज, जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये है ब्रिज का ड्रोन शॉट और देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत कमाल का ये नजारा होता है। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहां पर इसकी जो ट्रेन की लंबाई होती है, ये 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है और ज्यादातर इस पे आपको डबल डेकर मालगाड़ी ही दिखेगी। वैसे ये वाला जो है ये सिंगल है, डबल डेकर नहीं है जी। और अच्छी बात बताऊं, इस पे जितने भी ट्रेनें दौड़ेगी, ये सभी की सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिकल होगी, डीजल और कोयले का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और क्या नजारा है यहाँ पर, इस तरफ ये नर्मदा रिवर को वरुच में क्रॉस कर रही है, बहुत बेहतरीन नजारा होता है इस जगह पर। ड्रोन शॉट से भी अगर आपको दिखाऊं तो बहुत कमाल का नजारा है। इस जगह पर वैसे तो मैं आया था बुलेट ट्रेन का अपडेट देने आपको, लेकिन इस जगह पर सोचा कि चलो इन तीनों को एक बार देख ही लेते हैं। मालगाड़ी के लिए जो बनाई गई वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन, और इस पे ट्रेन की स्पीड होगी 100 की और इस पे व्हीकल का स्पीड होगा 120 का। और इसके नेक्स्ट में जो ब्रिज बनाया जा रहा है इस रिवर के ऊपर, इस पे बुलेट ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे का। सोचिए क्या अपग्रेड किया है यहाँ पर, मतलब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना काम हो रहा है ना, और जितनी तेजी के साथ हो रहा है, वो नेक्स्ट लेवल तो है ही, लेकिन हर परियोजना एक से बढ़कर एक है और यूं कहूं कि सब कमाल है। चलिए आप ब्रिज के ऊपर क्या कुछ काम हुआ है जरा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम और आप इसी ब्रिज को तो देखने इतनी दूर तक आए हैं। यहां पर नर्मदा रिवर के ऊपर ब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इस मां नर्मदा रिवर को बुलेट ट्रेन की परियोजना क्रॉस कर सके, इसी वजह से यहां पर पिलर का निर्माण किया जा रहा है, और पिलर वो भी बहुत हेवी होने वाले हैं, और उसी पिलर के फाउंडेशन वर्क का काम आपको अभी दिखेगा। और ये क्योंकि जितने भी पिलर्स बनाते हैं, जो खासकर रिवर के अंदर, वो लेयर्स बाई लेयर्स बनाया जाता है, और वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे कमाल है यहाँ पर टीम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की। बरसात का मौसम है और नदी के अंदर पानी अच्छा खासा है, फ्लो अगर देखोगे वाटर का तो वो भी आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर काम भी उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून आ चुका है और वही तो आपको ड्रोन की मदद से देखने को मिल भी रहा है कि क्या मानसून पीक पे है तो क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। और ज़्यादातर हिस्सा इस नदी के ऊपर जो क्रॉस कर रहा है ब्रिज का, उसके पिलर्स आपको देखेंगे कि अब शेप ले रहे हैं और बनाए जा रहे हैं और तेजी के साथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कंपेयर करोगे अगर लास्ट अपडेट से ना, तो भाई आपको बहुत सारा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आप फुटेज देख रहे हो, ये जो लास्ट अपडेट दिया था तब का है और ये आज का है, और देखिए इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। और ये देखकर सच में गर्व महसूस होता है कि पहली बार अपने देश में बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है और वो भी इतनी रफ्तार के साथ यहां पर काम हो रहा है। और गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि गुजरात के वरूच में आपको ये तीन अपनी देश की बड़ी परियोजनाएं एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाती है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अब रिवर से जरा हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। इस तरफ यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो पिलर तो बनकर तैयार है। इस जगह पर क्रेन की मदद से लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। साथ में ये जो आप देखेंगे ये है वरूच और दहेज रोड, जिस रोड को ये लाइन क्रॉस कर रही है। जैसे इसको क्रॉस करके टूवर्ड्स आप अहमदाबाद की तरफ चलेंगे तो यहीं पर आपको दिखेगा वरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन। इस स्टेशन का कॉन्कोर्स लेवल ग्राउंड पे ही है और प्लेटफॉर्म का हिस्सा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सिर्फ एक ही लेवल इस पर होने वाला है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से पर लास्ट अपडेट के मुकाबले अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलेगा। जहां पर अब आपको दिखेगा कि स्टील स्ट्रक्चर की मदद से रूफ को तैयार करने का काम किया जा रहा है इस वरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। और जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए हैं यस उसके मुकाबले ये स्टेशन स्ट्रक्चर वाइज लेवल वाइज थोड़ा छोटा है। जी लंबाई में नहीं, मैं इसके फ्लोर की बात कर रहा हूँ। चलिए तो जैसे जैसे आप अहमदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट पे सारे पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं और इस जगह पर पिलर कैप का भी काम हो चुका है। जैसे जैसे स्टेशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ढेर सारे आपको पिलर्स दिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर एक नहीं दो लाइन आपको दिखेगी। जी एक जो कि मेन लाइन है बुलेट ट्रेन की और एक होने वाली है जो कि मेंटेनेंस डिपो को जाएगी। वरूच में भी एक मेंटेनेंस डिपो होगा और इस जगह पर इसी वजह से आपको एक साथ दो दो पिलर्स दिख रहे हैं। और इन पिलर के साथ साथ आपको यहाँ पर लॉन्चर भी दिखेगा, लेकिन पहले तो फिलहाल इन पिलरों की बात कर लेते हैं। पिलर जो कि मेन लाइन का बनाया जाना है वो तो सभी के सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। जहां पर पिलर इसका बनाया जाना है डिपो के लिए, उस जगह पर आपको जरूर दिखेगा कि पिलर अभी निर्माण किया जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेन जो अलाइनमेंट होने वाला है, मेन जो लाइन होने वाली है, उसके ऊपर सभी पिलर निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर ये जो डिपो वाला लाइन है जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से होते हुए जाएगी, इसके पिलर के अभी फाउंडेशन वर्क का काम आपको दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन लाइन के ऊपर आपको एक लॉन्चर भी दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो भी किया जा रहा है। और ठीक इस लॉन्चर से आगे आपको दिखेगा एक डिपो जो कि वरूच में बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत। चलिए बुलेट ट्रेन स्टेशन से एक और हिस्सा आपको दिखाता हूँ।
रिवर, रिवर के पास एक लॉन्चर भी है जी, नर्मदा रिवर के पास। और ये लॉन्चर बहुत ही विशाल है और इसी लॉन्चर की मदद से रिवर तक का जो हिस्सा है उस पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया गया है दोस्तों। और इस लॉन्चर को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस लॉन्चर को देखकर आपको यकीन होगा कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के हिस्से में आपको 2 लॉन्चर दिख जाते हैं और उनमें से एक ये है। और ये लॉन्चर सच में बहुत विशाल है, तो चलिए जरा इसके कुछ ड्रोन शॉट का आनंद लेते हैं। और साथ ही साथ ये है नर्मदा रिवर जहां पर पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो भाई ये था अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी, WDFC का भी और वरूज में बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी। देखकर मजा ही आ गया यार सच में। और जिस तेजी के साथ इस पर काम किया जा रहा ना, हैंड्स ऑफ टू नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या कमाल का काम कर रहे हैं ये लोग। और इस नदी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम मैंने देखा ना भाई, रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पीछे अगर ये नदी जो देख रहे हो आप माँ नर्मदा, इस पर पानी का बहाव देखो आप सच में। और फिर भी काम कर रहे हैं, बारिश हो रही है देख लो फिर भी काम कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।